दोस्तों इस वक्त रोहतक बनाम फतेहाबाद हरियाणा सीनियर स्टेट प्रतियोगिता 2024 10 नंबर जर्सी से पहली रेड के ऊपर टच पॉइंट इस समय रोहतक को अच्छी शुरुआत बोनस के साथ और इधर से भी 10 नंबर की रेडरी आगे बढ़ी। देखते हैं कैसी शुरुआत यहाँ पे फतेहाबाद की। खामोशी वापस, जबकि रोहतक ने कुल मिलाकर पहली रेड से 2 पॉइंट अर्जित किए थे। 12 नंबर जर्सी की रेडर बैक की कॉर्नर के ऊपर और तीसरा पॉइंट इस समय इसके साथ ही रोहतक के खजाने में 3-0 से आगे टॉस जीतकर ठोस शुरुआत यहां रोहतक की। मध्यांतर में टच पॉइंट की कोशिश 2 नंबर की जर्सी से इस वक्त फतेहाबाद की होनार रेडर। और इस समय वलो करने की कोशिश लेकिन लक्ष्य तक पहुंच गई सफल। पहला पॉइंट इस समय फतेहाबाद के अंगना में 3-1 का स्कोर। 10 नंबर की जर्सी से फिर से बोनस की कोशिश, देखते हैं कितनी सफल रहते हैं। साथी मंच पर आए प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को पगड़ी के द्वारा और समृद्धि चिन्ह 4-1 का स्कोर। पगड़ी वाला साथी महादेव मंच पर पहुंचे, रविंद्र जी सांगवान मंच पर पहुंचे। हरियाणा सीनियर स्टेट महिला कबड्डी प्रतियोगिता 2024 इस समय वाइब्रेंट स्कूल हंस आवास कुर्त में आयोजित पहला दिन प्रतियोगिता का और शानदार प्रयास करते हुए टच पॉइंट यहां लगातार अपनी टीमों को लेकर के आई है। 2 रेड से 2 पॉइंट लिए हैं इस बालिका ने। और ये रेडर काफी दमदार है, 10 का दम था ही होल्ड लेकिन कमजोर और लक्ष्य तक आसानी से पहुंचती भी एक बार फिर से सफल। अब तक हर राइड के ऊपर सफल रही है। बढ़त बनाता हुआ इस समय रोहतक। हरियाणा प्रदेश की होनार बालिकाएं इस समय अपना प्रतिभा दिखाने के लिए वाइब्रेंट स्कूल हंसावास खुर्द में संघर्ष जारी। इस वक्त जिसकी ड्यूटी है पानी पिलाते रहे। शानदार निर्णय टीम यहाँ पे बेहतरीन ऑफ सेटिंग और 6 नंबर दर्शी से इस वक्त देखते हैं आखिर बोनस की शानदार कोशिश। 6 पे पहुंचता हुआ इस समय रोहतक, जबकि फतेहाबाद 2 पे रुका हुआ। 4 अंक की बेहतरीन बढ़त कही जा सकती, हालांकि शुरुआती समय है खेल का। सेफ वापस और अच्छी स्किल यहां नजर आती भी तमाम खिलाड़ियों में। बोनस की फिर से कोशिश, देखिए पलक झपकते ही बोनस शायद सफल होंगी कहीं ना कहीं। प्रयास बहुत शानदार था, या तो बोनस या फिर पॉइंट लेकर ही वापस गई हैं। और यहां टोटस पॉइंट, जी हाँ 1 अंक का इजाफा। टूडाई पे इस वक्त देखते हैं टूडाई से शानदार तरीके से टैकल किया और फंस गए इस समय करोमरो की स्थिति में। रोहतक को लगातार इजाफा होता हुआ अपने स्कोर में। छह नंबर की जर्सी से इस वक्त होनार स्टार रेडर। और ये देखिए जिस गति से आगे बढ़ी उसी गति से पॉइंट अर्जित कर लिया। मजबूत स्थिति करता हुआ अपने रोहतक, हालांकि फर्स्ट हाफ का खेल 10-2-10 का मुकाबला, कभी धूप तो कभी छांव, कुदरत के ये नज़ारे हैं। प्यास उनको भी लगती है जो सागर के किनारे हैं। और देखिए एंगल होल्ड बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर भूमिका में इसमें 6 नंबर जर्सी से, देखिए पिछले रेड से पॉइंट लेकर गई थी और इस वक्त बेहतरीन डिफेंडर की भूमिका में सुपर टेकल का संकट इस वक्त फतेहाबाद के ऊपर फहराता हुआ दिखाई दे रहा है। आसान अंक अर्जित करने में कामयाब और यहाँ ऑल आउट का खतरा होगा अब अंतिम वाली का इस वक्त फतेहाबाद के पास।
ऑल आउट के साथ ही काफ़ी पिछड़ेगा मैच में कहीं ना कहीं। और ये देखिए शानदार टैकल, और इसके साथ ही पहली बार ऑल आउट इस मैच में फतेहाबाद। सेवन इन के साथ फिर से छह नंबर की स्टार राइडर बोनस का कोशिश। देखिए काफी देर से बोनस लेकर पहुंचे, आप भी जल्दी आइए। स्कोर बढ़ता हुआ इसके साथ ही 11 जा पहुंचा है रोहतक का। और ये देखिए शानदार तरीके से होल्ड किया और एक और अंक, माफ कीजिए 14 पे पहुंचता हुआ इसके साथ ही रोहतक, जबकि 2 पे रुका हुआ है काफी देर से फतेहाबाद। बोनस के साथ पॉइंट, यानी 16 पे पहुंच चुका है देखते ही देखते। 16-2, 14 अंक की विशाल लीड, जैसे ऑल आउट का सामना करने को मिला फतेहाबाद को। एंगल होल्ड फिर से, और पुरुष वर्ग का इस मैच के तुरंत हर क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करता हुआ इस वक्त रोहतक। तो रोहतक पूरे स्वभाव में, पूरी फॉर्म में, शानदार टच में दिखाई दे रहे हैं। 4 के डिफेंस से इस वक्त मुश्किलें बढ़ती हुई, कमजोर डिफेंस साबित किया है फतेहाबाद ने। गुरुग्राम के बीच में कुरुक्षेत्र वर्सेस करनाल, ये दोनों टीम एक नंबर की जर्सी से इस वक्त फतेहाबाद के रेडर। 7 का डिफेंस मजबूत, और वहां से पॉइंट खोजना का तो आशा नहीं, डुबकी लगाने का प्रयास मगर दबोच लिया। सुपर टेकल फिर से दिखाई देने लगा है, और ये ऑल आउट का संकेत है कहीं ना कहीं। और लीजिए इसके साथ ही एक और बहुमूल्य, अब दूसरी बार ऑल आउट दिखाई दे रहा है इस वक्त, देखिएगा एंगल होल्ड बहुत ही मजबूत। और इसके साथ ही दूसरी बार ऑल आउट करता हुआ रोहतक फतेहाबाद को। ऑल आउट के साथ ही 23 पे पहुंचता हुआ रोहतक, जबकि फतेहाबाद 2 पे रुका हुआ। तीनों में दोनों पर सफल बनाने में लगे हुए। 24 पे पहुंचता हुआ, तो पानी की जो खाने पीने के बहुत ही शानदार और उमदा प्रदर्शन, अरे संघर्ष की आवश्यकता फतेहाबाद को। इसके साथ ही टाइम आउट, प्रतियोगिता का समय चला ले ऑफिशियल, उसके बाद भी टीम नहीं आती है तो वॉक आउट दीजिए। पहला फर्स्ट आपका खेल ज्यादा नहीं, और यहाँ बहुत ही शानदार तरीके से पॉइंट अर्जित किया है स्टार रेडर इस वक्त। देखिए रोहतक की मजबूत होता हुआ कंटिन्यू, जबकि फर्स्ट हाफ का ही खेल। अगली टीम आ जाए सिरसा वर्सेस कैथल, दोनों फतेहाबाद जूझता हुआ इस समय दिखाई दे रहा है जोश और जज्बे के साथ है। लेकिन यहां टच पॉइंट की मांग, और बड़ी देर से ये फतेहाबाद को एक अंक मिला। और इस तरीके से रेडर आउट इसके साथ ही हाफ टाइम सेकंड हाफ लीजिए शिवा दोस्तों। आपके सुझाव भी सुने जाएंगे, और सिरसा और कैथल को बुलाइए अब। सिरसा वर्सेस कैथल, दो नंबर की महिला वर्ग जुझारो रेडर इस वक्त फतेहाबाद की। सिरसा शरीर श्रम सिरसा 25-4 का स्कोर, यानी कि 21 अंकों की विशाल लीड फर्स्ट हाफ में रोहतक के पास है। और देखते हैं इस बढ़त का कितना फायदा उठा पाता, फायदा मिलना चाहिए। और यहां ब्लॉक करने की कोशिश, लेकिन डुबकी लगाते हुए पहुंच गई सफल रेड। सब्स्टिट्यूट को अंदर लिया है रोहतक ने बड़ी लीड को देखते हुए, ताकि प्रॉपर एक्स्ट्रा खिलाड़ियों को भी अवसर मिले। लेकिन वापसी के लिए देखिए जूझता हुआ कंटिन्यू इस वक्त दबाव में है फतेहाबाद। 4 नंबर की जर्सी से इस वक्त रोहतक के बेहतरीन रेडर, और एंगल होल्ड की कोशिश मगर टाई लगाते हुए सफलता के साथ पहुंच गए पहली रेड से सफल पॉइंट। शानदार तरीके से जो लीड अभी तक अर्जित किया है रोहतक ने, भूरी भूरी प्रशंसा का पात्र। और यह देखिए आसानी के साथ कैच
सबसे अनुरोध है ग्राउंड नंबर एक के ऑफिशियल शानदार तरीके से पहुंच गए फिर से वही पुनरावर्ती ऑफिशियल खेल मैदान पर नहीं है ग्राउंड नंबर एक पर भी दोनों टीमें आई हुई हैं। हर क्षेत्र में वादे करता हुआ 29-4 का स्कोर यानी 25 अंक की बढ़त है बहुत बेहतरीन और यहाँ देखिए शानदार टेकल फिर से वही अंदाज वही नजरिया और एक अंक के साथ है स्कोर में वृद्धि सुपर टेकल में आ गया अब सिर्फ दो के डिफेंस में और एक आसान अंक यहाँ बैठे हैं जिन्होंने अभी तक खिलाड़ियों से परिचय नहीं लिया। अमित कुमार जी आप भी जाइए खेल मैदान पर बिल्कुल बहुत सभी साथी मुश्किलें बढ़ सकती हैं अंतिम खिलाड़ी ऑल आउट का खतरा सर पे मंडराता हुआ इस वक्त फतेहाबाद के ऊपर। हाँ दोनों टीमों को अनुरोध है ग्राउंड नंबर एक के ऑफिसर और आसानी के साथ देखिए यहाँ ऑल आउट फतेहाबाद दोनों हाफ में एक एक बार ऑल आउट हो चुका है हमारे साथियों को सुरेंद्र जी और अब 5 मिनट से भी कम समय एंगल होल्ड लाजवाब है और पूरी ताकत नजाकत की ये बांध की इस वक्त रोहतक के द्वारा बड़ी जीत की ओर अग्रसर और ये देखिए इधर पकड़ अच्छी है बड़ी देर से बेहतरीन टेकल इस समय फतेहाबाद का ऐसा खेल काश पहले दिखाया होता। नसीब जी सभी से मैं अनुरोध करूंगा कबड्डी संघ चरखी दादरी एस्कॉर्ट करेंगे जितने भी जिलों के सेक्टरी प्रेसिडेंट दोनों प्रत्याशी से इन्होंने प्रभावित जरूर किया फतेहाबाद की ओर से बाकी बालिकाओं ने निराश किया है। इकलौता संघर्ष इस समय और ये देखिए ये पुनरावृत्ति जो कि त्यों पिछली रेड से जो कर दिखाया वही यहाँ दोहराया और अब 4 नंबर की जर्सी से रोहतक की शानदार रेडर और ये देखिए चकमा दिया है 1 से 2 पॉइंट यहाँ मिलने चाहिए दूसरी तरफ जिला जी हाँ सभी जिलों के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी खेल मैदान पर हैं ग्राउंड नंबर 3 के भी और फिर से वही एंगल होल्ड कॉर्नर से लगातार 3 रेड से 3 एंगल होल्ड देखने को मिले और इधर बड़े स्कोर की ओर अग्रसर 2 नंबर की दमदार रेड अच्छा खासा हाइट ऊंचा लंबा कद लेकिन फायदा नहीं मिला इस रेड से 3 पर मैच होगा पंचकुला वर्सेस भिवानी प्रधान श्री राजेश जी फोगाट डीपी साहब हाँ जी पंचकुला भिवानी ग्राउंड नंबर 3 महिला वर्ग अच्छा प्रयास महिला वर्ग लेकिन आसानी से डुबकी लगाने की कोशिश मगर सफलता नहीं मिली। प्रेसिडेंट के साथ ग्राउंड नंबर 1 पर 3 मिनट से भी कम समय सुपर टेकल 2 खिलाड़ी कोर्ट पे फतेहाबाद के जिला शिक्षा की टीम तैयार ऑल आउट का खतरा फिर से 2 बार ऑल आउट हो चुका है इससे पहले फतेहाबाद एक एक बार दोनों हाफ पे और एक आसान अंक अंतिम खिलाड़ी फिर से वही शेष जो पिछली बार शेष रहे थे तो यहाँ जोखिम उठाएंगे या फिर खाली हाथ वापस लौटेंगे अंडर प्रेशर नो डाउट अबाउट। अब जिला कैथल की टीम है तीसरी बार ऑल आउट ग्रुप फोटो का खतरा सर पे मंडराता हुआ और सफल हो सकते थे लेकिन शानदार टेकल और इस प्रकार से तीसरी बार ऑल आउट फतेहाबाद 44 पे पहुंचता हुआ रोहतक और ये देखिए फिर से सफल रही है सभी का धन्यवाद करते हैं हमारी एक धुरी है आपके सहयोग से सारी टीमें यहाँ पर आमंत्रित कर रही हैं। 46 अंतिम 60 सेकंड का खेल शेष धन्यवाद सुरेंद्र जी फोगाट आप सभी को बिल्कुल जीत के बेहद करीब चमत्कार भी वापस नहीं ला सकता फतेहाबाद को लेकिन इस बालिका ने 12 नंबर और 2 नंबर ने जरूर प्रभावित किया लीजिए आसान सा शिकार हमारे 4 का डिफेंस 47 स्कोर हो चुका है और एक अंक इधर फिर से लीजिए खेल समाप्त और यहां पे मुकाबला रोहतक ने फतेहाबाद को पराजित करते हुए जीत लिया 48 है यानी कि 38 अंकों के विशाल अंतर से रोहतक ने जीत दर्ज की है।